हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कविता हेरोडो क्लासेस। कविता हेरोडो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, लास्ट वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट एग्जाम में एजुकेशन सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इसके ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम 8 दिसंबर 2023 को हुई थी एंड इसे हम लोग एनटीए के फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो की फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स सिग्मा प्रक्रिया में विनिर्मित उत्पादों की सांख्यिक रूप से त्रुटि रहित होने की कितनी प्रतिशतता होती है। ए सिक्स सिग्मा इज वन इन विच टू मच परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड आर स्टैटिस्टिकली एक्सपेक्टेड टू बी फ्री ऑफ डिफेक्ट। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर 2 है, 99.99966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर पोस्ट कार्ड फ्रेम इज यूज फॉर राइटिंग लार्ज करेक्टर ब्रेल ऑन वन साइड ऑफ द पेपर, राइटिंग लार्ज करेक्टर ब्रेल ऑन द बोथ साइड ऑफ द पेपर, राइटिंग स्मॉल करेक्टर ब्रेल ऑन द वन साइड ऑफ द पेपर, राइटिंग स्मॉल करेक्टर ब्रेल ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। तो टेलर पोस्ट कार्ड फ्रेम का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा, कागज के एक ओर लघु ब्रेल अक्षरों के लेखन हेतु टेलर पोस्ट कार्ड फ्रेम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और अधिगम आव्यूह निम्न में से किन किन पर आधारित होनी चाहिए। अनुभव आधारित अधिगम, स्वनिर्देशित अधिगम, सीखने के प्रति तत्परता, औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार अनम्य अधिगम परिवेश। 5 ऑप्शन में कौन कौन सा आंसर होगा इसे आपको यहाँ पर दिखाना है। यहाँ मोर देन वन ऑप्शन आंसर है। तो एडल्ट एजुकेशन में एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी होती है, रेडीनेस टू लर्न भी होता है, एज पर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ये नहीं होता है, रिजिड लर्निंग एनवायरमेंट भी नहीं होता है। इस तरह से इसका आंसर ए बी सी है जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। इसमें भी 5 ऑप्शन है एंड आंसर मोर देन वन ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज रिलेटेड टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज रिलेटेड टू समेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज रिलेटेड टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज रिलेटेड टू समेटिव असेसमेंट एंड 5 ऑप्शन, समेटिव असेसमेंट इज टर्मिनल इन नेचर। हिंदी में भी देख लें, आकलन के प्रकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, कसौटी संदर्भित परीक्षण संरचनात्मक आकलन से संबंधित होता है, कसौटी संदर्भित परीक्षण योगात्मक आकलन से संबंधित होता है, मानक संदर्भित परीक्षण संरचनात्मक आकलन से संबंधित होता है, मानक संदर्भित परीक्षण योगात्मक आकलन से संबंधित होता है, योगात्मक मूल्यांकन प्रकृति में अंतिम होता है। तो इन 5 ऑप्शन में कौन कौन सा आंसर होगा, योगात्मक मूल्यांकन प्रकृति में अंतिम होता है ये सही है, मानक संदर्भित परीक्षण योगात्मक आकलन से संबंधित होता है ये भी सही है, मानक संदर्भित परीक्षण योगात्मक आकलन से संबंधित होता है तो ये संरचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं होगा, तो ऑलरेडी ऑप्शन 3 आपका गलत हो गया। एंड योगात्मक आकलन में मानक संदर्भित परीक्षण होता है तो कसौटी संदर्भित परीक्षण नहीं होगा, तो बी भी आपका गलत हो गया। इस तरह से ए डी ई आंसर हुआ जो कि ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कॉम्पोनेंट ऑफ अफेक्टिव डोमेन एज पर कर्थवाल एट ऑल, कॉम्प्रिहेंशन, इमोशन, फीलिंग, एटीट्यूड एंड वैल्यू। इन हिंदी, कर्थवाल और अन्य के अनुसार भावात्मक पक्ष के संघटक कौन से हैं? इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है, बोध, संवेग, भाव, अभिवृत्ति, मूल्य। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बोध, ये भावात्मक पक्ष के संघटक नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं, देन संवेग भावात्मक पक्ष के संघटक हैं, भाव हैं, अभिवृत्ति हैं, मूल्य हैं। इस तरह से इसमें ओनली ए ऑप्शन नहीं होगा, तो इस तरह से इसका आंसर 2 आएगा जिसमें कि बी सी डी और ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। इसमें भी 5 ऑप्शन है, इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है, एजुकेशनल रिसर्च इज एम्पिरिकल इन नेचर, एजुकेशनल रिसर्च शुड बी सिस्टमेटिक, एजुकेशनल एंड फिजिकल साइंस रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेजर्ड इन सेम स्केल, एजुकेशनल रिसर्च शुड बी वैलिड, एजुकेशनल रिसर्च शुड बी रिलायबल। तो शैक्षिक शोध की क्या प्रकृति होती है इसमें ये बताना है, शैक्षिक शोध प्रकृति में अनुभाविक होता है, आंसर ए सही है, ये सिस्टमेटिक होना चाहिए ये भी सही है,
शैक्षिक शोध वैध होना चाहिए, ये भी सही है। शैक्षिक शोध विश्वसनीय होना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग शैक्षिक और भौतिक विज्ञान संबंधी शोध के निष्कर्षों को एक समान मापनी से ही मापा जाता है, ये गलत है। दोनों को एक स्केल में नहीं मापा जाता है। ऐसे अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ए बी डी और ई आपका ऑप्शन फोर में आता है, ऑल फोर इसमें कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शोध उपकरण की विशेषणता और वैधता के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है। फर्स्ट ऑप्शन है विश्वसनीयता हेतु निरंतरता अनिवार्य है, वैधता विश्वसनीयता हेतु पूर्व शर्त है, विश्वसनीय परीक्षण हमेशा वैध होता है, वैध परीक्षण हमेशा विश्वसनीय होता है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता के बीच में कोई संबंध नहीं होता। इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही है, कंसिस्टेंसी इज नेसेसरी फॉर रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता की डेफिनेशन ही यही है कि उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर किसी भी रिसर्च टूल के माप में कंसिस्टेंसी नहीं है तो वह रिसर्च टूल रिलायबल नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है वैलिडिटी इज द प्री कंडीशन फॉर रिलायबिलिटी, ये सही नहीं है। ए रिलायबल टेस्ट इज ऑलवेज वैलिड, ये सही नहीं है। ए वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल, ये सही है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिड ऑफ ए टेस्ट, ये सही नहीं है। इस तरह से यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू स्केल ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है रेशियो स्केल इज हैविंग एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, इंटरवल स्केल इज हैविंग एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, रेशियो स्केल इज यूज्ड इन मेंटल मेजरमेंट, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशियो स्केल आर इंक्लूडेड इन द इंटरवल स्केल। गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि मापन के 4 स्केल होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। क्वेश्चन में इंटरवल एंड रेशियो के बारे में पूछा गया है, इन दोनों के बारे में नहीं पूछा गया है। रेशियो स्केल में वास्तविक शून्य होता है, इसीलिए ए ऑप्शन सही है। रेशियो स्केल में वास्तविक शून्य होता है तो अंतराल मापनी में नहीं होगा, बी गलत हो गया। इस तरह से ऑप्शन 2 आपका हट गया, ए आपका 1 में एंड 3 में है, 4 में नहीं है, तो ऑप्शन 4 भी आपका हट गया। अब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 3 में सी या डी में जो भी आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर कर लेंगे। सी ऑप्शन है अनुपात मापनी का प्रयोग मानसिक मापन में किया जाता है, डी ऑप्शन है अंतराल मापनी का प्रयोग मानसिक मापन में किया जाता है। तो मानसिक मापन में अंतराल मापनी का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि अनुपात मापनी में वास्तविक शून्य होता है एंड मानसिक मापन कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। इस तरह से डी ऑप्शन सही होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड होगा, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफिकल्ट कैटलॉगिंग, एक्सेसिबल एनी टाइम एनी वेयर, इजीली लिंक टू अदर रिसोर्सेज, ए रिसोर्स कैन बी साइमल्टेनियसली यूज बाय मल्टीपल यूजर। इन हिंदी, परंपरागत पुस्तकालयों की तुलना में डिजिटल पुस्तकालय के लाभ हैं। फर्स्ट है टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग, बिल्कुल सही है। कहीं भी कभी भी सुलभ, ये भी सही है। अन्य संसाधनों से सरलता से योजित जोड़ पाना, ये भी सही है। एक ही संसाधन का एक ही समय में कई उपभोगकर्ताओं द्वारा उपयोग, ये भी सही है। इसमें ओनली ऑप्शन बी सही नहीं है, कैटलॉग बनाने में कठिनाई, तो इसमें ऑप्शन बी को हम लोग हटा देंगे। ए में ऑप्शन बी है, हट गया। 3 में ऑप्शन बी है, हट गया। 4 में ऑप्शन बी है, हट गया। इसका आंसर 2 हो गया। इस तरह से रिमूव करके भी आप आंसर दे सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, डायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट बेनिफिट, इन्वेस्टमेंट इन पीपल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक फंडिंग। इसमें कौन सा एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है ये दिखाना है। निम्न में से शिक्षा से संबंधित नहीं है, प्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ, जनता में निवेश, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक निधियन। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, शिक्षा से संबंधित नहीं है डायरेक्ट एजुकेशन, इसका आंसर ए होगा। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए। रेस्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।